फाइनली वेलकम बैक गाइज। सो कैसे हो आप सभी लोग, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेमिंग विद पास्ता। सो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर अपडेट्स के बारे में, सीजन 13 के बारे में। जी हाँ गाइज, सीजन 13 को लेकर यार बहुत ज्यादा यार दिलचस्पी होगा आपके दिमाग में कि भाई क्या आने वाला है सीजन 13 में, तो वो आपको मैं कुछ दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। और गाइज बात करेंगे क्या क्या कोई नया अपडेट आने वाला है 0.18.0 के बारे में, और क्या क्या सीन होने वाला है 0.18.0 में, और भी बहुत कुछ लेके इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलो गाइस इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। और यार अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो, 5 सेकंड दे रहा हूं आपको, फटाक से लाइक करो, 5 4 3 2 1 यार हो चुका होगा लाइक। तो चलो गाइस अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अपने स्क्रीन के ऊपर सीजन 13 का इमोट्स। जी हाँ गाइस, तो ये लीक आया है हमारे पबजी मोबाइल को लेकर, और ये सीजन 13 में आने वाले इमोट्स है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यह थोड़ा फनी टाइप इमोट है। गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको सीजन 13 के इमोट्स कैसे लग रहे हैं। ये गाइस आपको देखने को मिलने वाला है सीजन 13 के रॉयल पास के अंदर, और ये गाइस आपको देखने को मिलेगा सीजन 13 में। जी हाँ गाइस, तो सीजन 12 में कोई इसका सीन नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि आपको ये इमोट कैसा लगा। तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे ये इमोट को। ये इमोट भी गाइस आपको मिलने वाला है सीजन 13 में। तो ये गाइस थोड़ा सा मिलता है सीजन 10 के इमोट्स के साथ, एक इमोट आया था पबजी मोबाइल में उसके साथ थोड़ा बहुत मिलता है, पर लेकिन यार इसकी क्या ही बात करें। जी हाँ गाइस, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हमारा मिल्टा का एरिया है ये, और यहाँ पे टूटा फूटा है जैसा कि हमें पबजी पीसी में देखने को मिलता है, और यहाँ पे कुछ तबाही हो चुकी है। और गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये है हमारा मिलिट्री बेस का एरिया, और यहाँ पे गाइस हो चुका है तोड़फोड़। आपको जो ये टावर दिख रहा था ये कुछ अलग चेंजेस में आपको दिखेगा जो हमारा न्यू अपडेट आने वाला है। और गाइस ये कुछ अपडेट का मैप का कुछ लीक है जहाँ पे कुछ हमारे कह सकते हैं यार कोई भी पता नहीं यार पबजी का अब तक क्या सीन होने वाला है। और 0.18.0 में ये कुछ 0101 करके बाइनरी नंबर कंप्यूटर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ ज़्यादा ही मिस्ट्री होने वाला है 0.18.0। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये है डासिया की स्किन, और ये डासिया की स्किन आपको देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल में, और ये भी आपको देखने को मिलेगा सीजन 13 में। और गाइस कुछ आउटफिट्स वगैरह है जो कि आपको देखने को मिलेगा सीजन 13 में जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और ये सब लीक्स का भाई क्रेडिट जाता है प्रियांक भाई को, तो यार उनका लिंक चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। और गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो क्या ओपी आउटफिट्स है, ये आउटफिट आपको देखने को मिलेगा सीजन 13 में, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये हनी बनी टाइप का है। और यहाँ पे गाइस आप लोग देख रहे हो अवतार फ्रेम, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ड्रॉप का अवतार फ्रेम, ये भी आपको देखने को मिलेगा जल्द ही। गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है ये भी अवतार फ्रेम जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पे देखा है। और गाइस अगर हम बात करें तो यार एक और चीज के बारे में जिसका नाम है विकेंडी 2.0। जी हां गाइस अब यहां पे बंदे बात कर रहे थे रैंगल 2.0 के बारे में, पर लेकिन यहां पे पबजी में पबजी पीसी में हर एक मैप को रिमास्टर्ड किया जा रहा है। जी हां गाइस हर एक मैप को रिमास्टर्ड किया जा रहा है, चाहे वो पबजी मोबाइल हो, चाहे वो इरेंगल का मैप हो, चाहे वो विकेंडी का हो, या फिर चाहे वो सैनॉक का ही क्यों ना हो। जी हाँ गाइस यहाँ पे हर मैप को रिमास्टर्ड करके बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो ये है विकेंडी का मैप जो कि होने वाला है विकेंडी 2.0। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे डेवलपर्स अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा ग्लिच जैसा कि आप लोग देख सकते हो। आप भी जानते हो यार पबजी मोबाइल की बात करें यार नए अपडेट में तो ग्लिच आना ही आना है, कंफर्म वाली बात है, इसमें कोई हमारा दोहराई ही नहीं है कि भाई ग्लिच ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइस कुछ ऐसा सीन होने वाला है विकेंडी 2.0 अपना। और अगर आपके पास ड्रॉप रखा हुआ है तो भाई ट्रेन तो ट्रांसपेरेंसी के कारण पार होते चला जा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉप पे ड्रॉप रखा हुआ है, और भाई ये ट्रेन तो पार होते ही चला जा रहा है, कोई सीन ही नहीं बन रहा गाइस। यहाँ पे यही सीन है, आप ट्रेन में जाके चढ़ भी सकते हो, सफर भी कर सकते हो। और जैसा कि देख सकते हो यार यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं यार सीरियसली। और गाइस अगर आपके पास, अगर आप यहाँ पे ट्रेन के पास कार लाके रख दोगे तो भाई आपकी मौत निश्चित है, तो ये कभी मत करना। तो गाइस यहाँ पे सीन होने वाला है विकेंडी 2.0 का कुछ ऐसा ही, और आपको देखने को मिलेगा विकेंडी 2.0
जल्दी ही चाइनीज वर्सन में तो जल्दी ही आने वाला है। और गाइस अगर हम बात करें इरेंगल 2.0 के बारे में, तो इरेंगल 2.0 आ चुका है चाइनीज टीमी वर्सन में। और गाइस अगर अब सीन देखा जाए तो पबजी का जो ग्लोबल वर्सन में सीन है वो बहुत जल्दी ही आने वाला है ग्लोबल वर्सन में ही। थोड़ा यार डेवलपर थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं ग्लोबल वर्सन को लेकर। तो गाइस जल्दी आई होप हम लोग कोशिश करेंगे भाई, हम लोग तो यार अपन के तरफ से मतलब हम लोग के तरफ से तो पूरा यही होप रहेगा कि जल्दी से जल्दी पबजी मोबाइल में इरेंगल 2.0 आ जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो जो गेम प्ले है वो है गेम प्ले इरेंगल 2.0 का। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कितना ही ज़्यादा रिमास्टर्ड किया गया है ये इरेंगल 2.0 और क्या टेक्सचर दिख रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपको एक तरह से देखा जाए तो आपको पबजी पीसी का आनंद लेने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इरेंगल 2.0 में। तो आई होप जल्दी से जल्दी आ जाए। और गाइस ये जो आप AKM का स्किन देख रहे हो ये भी सीजन 13 में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आओ, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर हो चाहे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए। मिलते हैं आपसे नई और अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।